उपायुक्त रमेश घोलप ने मंगलवार को मां चतुर्भुजी मंदिर में पहुंचकर मां का दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी। इस मौके पर उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि मां का दर्शन कर मुझे बेहतर अनुभूति व खुशी हुई। उन्होंने मंदिर कमेटी के लोगों की सराहना किया, साथ ही मंदिर के इतिहास के बारे में मंदिर के पुजारी बालमुकुंद पाठक से जानकारी ली। उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि श्री श्री मां चतुर्भुजी शक्तिपीठ धाम मंदिर प्रकृति के गोद में है। वहीं उन्होंने समस्त जिला वासियों के लिए सुख शांति का कामना की। इस दौरान मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विक्रमा सिंह ने उपायुक्त को मां की प्रतिमा चुंदरी एवं शॉल भेंट किया। वहीं उपस्थित केतार प्रखंड प्रमुख चंद्रावती देवी ने उपायुक्त को शॉल भेंट किया। वहीं मौके पर उपस्थित BDO मुकेश मछुआ, थाना प्रभारी संतोष कुमार रवि, BPO मनोज कुमार, रोजगार सेवक राजकुमार, मुखिया प्रमोद कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि सुरेंद्र प्रसाद, उदय कमलापुरी, पप्पू पटेल सहित अन्य लोग मौजूद थे। जिला का सुप्रसिद्ध मंदिर केतार चतुर्भुजी मंदिर है, इसमें सर आप दर्शन करने आए, सर कैसा? देखिए, चतुर्भुजी शक्तिपीठ धाम में आज हमने माँ का दर्शन किया है और इस मंदिर का जो इतिहास है उसको समझा है। यह मंदिर न सिर्फ झारखंड के बल्कि अगल बगल के जो राज्य है वहाँ के भी जो श्रद्धालु हैं उनके लिए आस्था का केंद्र है। और मार्च अप्रैल के समय पर, जैसे कि हमको बताया गया है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, तो जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके सुविधा को लेकर कुछ बातें यहाँ पे बातों पे चर्चा हुई है, तो हम लोग निश्चित तौर पर उसको प्रयास करेंगे। बाकी यहाँ की जो भी कमेटी है जिनके द्वारा यहाँ की पूरी व्यवस्थाएँ देखी जाती है, और खुशी हुई साफ सफाई से लेकर अन्य सारी व्यवस्थाएँ, तो मैं कमेटी को भी बधाई देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ माँ को कि उसका जो कृपा है वो सभी पे बने। अपने घरों को सजाएं और सवारे गुप्ता टाइल्स मार्बल एंड सैनिटरी के साथ। हमारे पास है नए डिजाइन के टाइल्स मार्बल, ग्रेनाइट बेसिंग, कमोड, नल, सिंक और भी कई सामान, वो भी थोक एवं खुदरा में। हमारा पता है मिराल हाई स्कूल रोड, ज्योति नर्सिंग होम के बगल में। प्रोप्राइटर जितेंद्र प्रसाद गुप्ता। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें।